युगो युगो से चल रहा है मैं, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 1 दिसंबर 2019 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पंचमी शाम 7:13 तक रहेगी और उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से लेकर 12:31 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल शाम 4:02 से लेकर 5:20 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। लॉयर्स के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज आपकी मुलाकात नए और इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट से होगी जो आगे चलकर आपकी करियर ग्रोथ में मददगार साबित होगा। आज आपकी ड्रेसिंग सेंस की प्रशंसा सब जगह होगी और लोग आपको ही निहारते रह जाएंगे। यदि आप स्कूल या कॉलेज के छात्र हैं तो आज अपने टीचर्स की हर आज्ञा का पालन करने से आपको उनकी प्रशंसा मिलेगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनि पीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। स्टूडेंट्स को आज विशेष तौर पर अपने प्रोफेसर से आज करियर एडवाइस लेनी चाहिए और अपने शिक्षकों के एक्सपीरियंस से सीख लेकर फायदा उठाना चाहिए। आज आप किसी से भी उधार लेने से बचें, अन्यथा उधार दिया हुआ धन वापस नहीं लौटा पाएंगे। आज आपको केतु देवता के मंदिर में जाकर उनको शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है और आप अपने मकान बनाने का सपना जल्द से जल्द साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आज आपकी दुकान की सेल्स में इजाफा हो सकता है और आपका मुनाफा
निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। आज आप थोड़ी सी साबुत उड़द की दाल लें और उसे अपनी दुकान में फैला दें। आपको दाल को फैलाते हुए एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहां करे मेरा, उठे जो डंडी बिके जा माल, भवर सौ नहीं जाए। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं, भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहां करे मेरा, उठे जो डंडी बिके जा माल, भवर सौ नहीं आए। आपको इस मंत्र का जाप पूर्व की तरफ मुख करके करना है और इस मंत्र का जाप 31 बार करना है। जाप करते वक्त आपको दाल को दुकान में बिखेरना है। यह उपाय करने से निश्चित तौर पर आपकी दुकान की जो सेल्स हैं वो बढ़ जाएंगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। मतलब जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरु जी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरु जी से ये पूछने आई थी कि गुरु जी मेरा मकान कभी होगा अपना। अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।